Press the bell icon for all the updates. Happy birthday to me. Thank you so much. थैंक यू. कितना प्यारा केक है ये. विक्टोरियन एज का केक है जो इसके ऊपर नक्काशी की गई है. कितना सुंदर. तो विक्टोरियन बहुत ही अच्छा केक है. टेली मसाला गाइस, केक तो देखो बहुत अच्छा लाए आप. मेरा मुझे बहुत ट्रैवल करना है. मतलब बहुत ट्रैवल करना है मुझे. आई रियली वांट टू सी एवरी कॉर्नर ऑफ दिस अर्थ. और जो कि मुझे यस श्रुति के साथ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स मैं जो बात करती हूँ वो श्रुति को ही समझ में आती है. बहुत कम एनर्जी जाती है मेरी श्रुति के साथ. और या एग्जैक्टली यू नो, तो आई रियली वॉन्ट टू ट्रैवल विद हर बिकॉज शी ऑल्सो लव्स ट्रैवलिंग. और श्रुति बहुत अच्छी फोटोज भी खींचती है. सो सब मैंने ऐसे देख के भाल के इसको फ्रेंड बनाया. और प्लानिंग भी कर लेती हूँ मैं तो एकदम. एग्जैक्टली नहीं, प्लानिंग नहीं, सब जैसे यहाँ रुकेंगे वहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे. और कुछ भी ये सामान नहीं भूलती कुछ. और आप यू जस्ट कैन गो केयरलेस विद हर, जो कि मेरा फोटे है केयरलेसनेस. तो मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है वी आर पैकेज. मैं भूलती रहूँगी इसे. एग्जैक्टली, शी इज लाइक माई बेटर हाफ सीरियसली. हम लोग ऐसे मेरे हस्बैंड तो चिढ़ाते भी हैं कि हाँ आप शादी कर लेती सुरभि से तो पता नहीं मुझसे क्यों कर रही है. तहसीन हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको बाय द वे, बिकॉज अगर वो यहाँ पे होते तो मज़ा ही कुछ और होता. यू नो ही इज़ वेरी फनी एंड आई थिंक एवरीबडी इज जस्ट नोबडी कैन अंडरस्टैंड द बॉन्ड वी हैव. सो अपने बर्थडे पे मैं यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं कहीं बाहर हूँ विद हर, तो बहुत मजा आएगा. ओके, इसके पहले आप किसी से शेयर भी कर रहे थे पेरिस वाला प्रोजेक्ट? यस, जितनी बार भी, मतलब लास्ट टू लास्ट हमने एक यूरोप ट्रिप प्लान किया था. एंड यू नो मतलब ओके, सो 28th नाइट को हम लोग, नो दिस वाज 28th को ही शाम को, जहाँ पे हमें पता नहीं था हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी था नहीं. आप केक और वो कब लेकर आए थे? आने के बाद आईफिल टावर से. हमको लगा आप सुनना है. हाँ, सो हम लोग आईफिल टावर में मेरा ऐसे ब्रिंग इन किया एंड नेक्स्ट डे हमारा वो तो प्लान ही था हमारा. हाँ, और डिज्नीलैंड हमें जाना था. तो सबको जल्दी सोना था और सुबह 7 o'clock उठ के जाना था. या सो हम अपने होटल में वापस आए एंड देन शी इज लाइक कि सुरभि अब केक वेक तो क्या ही काटेंगे, यू नो एवरीबॉडी सो टायर्ड. और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि केक काटो एंड ऑल. तो उसने भी सोचा कि अभी चली गई, अभी सोने गई. ऐसे गंदी सी मैं मुंह धो के पोनी बना के नाइट मैं तो कभी भी. सो लास्ट इनका जो बर्थडे था अभी क्या 27 नवंबर, वो बर्थडे मेरा और इनका लाइफ का ऐसा पहला बर्थडे था जहाँ पे मैंने 12 बजे आ गई मेरे घर. वो भी मैं लेट थी, 12:30 बजे गई. ये तो मतलब हाँ, सुरभि मेरा बर्थडे आने वाला 27, उसको नहीं याद रहता. और अभी पता ही है कि इस बार इन्होंने स्पेशल ऐसे एफर्ट लगाया कि मेरा बर्थडे याद रखो. 27 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है. और यार दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई विश्ड हर घर जाके. रात में आई मैं तो ऐसे सेलिब्रेशन तो क्या यार, ऐसे रिजल्ट लग रहा है मुझे. एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है. लास्ट एग्जाम के बाद बर्थडे पार्टी कर ली. हाँ, अभी रिजल्ट आया. वैसा ही फील है. बट वी आर प्रीटी श्योर अबाउट इट. एवरीबॉडी इज जस्ट सो पॉजिटिव अबाउट इट. हमने बहुत मेहनत की है, सबको अच्छा लगेगा. और प्लीज़ आप भी प्यार से देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. क्या प्लान है इस साल? कुछ नहीं यार, इस साल तो मेरे ख्याल से नागिन में ही चला जाएगा और फिर ब्रेक लेंगे और बहुत सारा ट्रैवल करेंगे. क्या विश करना चाहिए इस साल? यही सेम विशेज हमारी बहुत सिमिलर है, तो इसलिए ज़्यादा विश करना नहीं पड़ता. कि उसकी विश में मेरी विश भी छुपी हुई है कि हमें साथ में बहुत सारा ट्रैवल करने को मिल जाए. yes. और ऐसी ऐसी छुपी छुपी वर्ल्ड की जगहों में हम चले जाएं जो इंस्टाग्राम पे किसी ने फोटो भी ना डाली हो. यस एग्जैक्टली. गाइस थैंक यू सो मच बर्थडे विशेस के लिए और शो के लिए भी. जो आप, आई नो एवरीबॉडी इज जस्ट सो पॉजिटिव. आप भी, यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. इसी तरह से प्यार करिए शो को एंड वी वोंट डिसअपॉइंट यू. थैंक यू.